कितनी घटिया जगह है, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे ऐसी जगह आना पड़ रहा है। जरूर यही होगी। हेलो, क्या तुम मिस अलिये हो? बैठो मत, ये बॉस की जगह है। जो भी यहां बैठता है वो उसे खरोच देता है। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे बॉस के बारे में नहीं पता था। क्या अभी वो यहां है, इसी जगह पर है? आज समझ गई। बॉस साफ है। हाँ पता है, पता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी, बस ऐसे ही। वहां बैठो। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा क्या चाहिए तुम्हें? वो मैं किसी की जिंदगी खराब करनी है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पति की रखेल से पीछा छुड़वाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मुझे किसी का बच्चा गिराने के लिए कुछ चाहिए। ये तुम अपने लिए तो नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे की पत्नी के लिए क्या तुम कुछ बना सकती हो? दीदी, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं मासी बनने वाली हूँ। मुझे भी ये सुनकर बहुत खुशी हुई। शुक्र है ऊपर वाले का शुक्र है। जब से हमें ये खबर मिली है हम बहुत खुश हैं। कितना अच्छा इत्तेफाक है ना, हम लोग कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे। ओ, मैं तो मौसी बनने जा रही हूँ।
क्या मिस्टर एमिर जानते हैं? जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो उसने हमें पकड़ लिया, पर मैंने कुछ नहीं बताया। सच तो यह है, मैं उन्हें बताना चाहती थी। जैसे ही जफर का कॉल आया वो ऑफिस के लिए निकल गया। हम बहुत लकी हैं। वो बहुत खुश होने वाले हैं सच में। दीदी आप उन्हें कैसे बताने वाली हो? मतलब इस बारे में आपने क्या सोचा है? मुझे लगता है सरप्राइज देना अच्छा होगा। बस मुझे मिल गए। ठीक है, पता लगाओ। शुक्र है, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। देखते हैं। उम्मीद है कि तुम साबित कर पाओगी, वरना तुम्हारी जवानी का अंत आज ही होगा, समझ लो। हमें कितनी दूर जाना है? सर मैंने आपसे कहा था कि बहुत दूर है। तेज चलाओ प्लीज। सर आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे पैनिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। अगर मेरा शरीर कांपने लगा तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तुम गाड़ी रोको। एक्सक्यूज मी? तुम गाड़ी रोको, गाड़ी मैं चलाता हूँ। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वैसे भी गाड़ी चलाना अच्छा नहीं लगता। आप चला लीजिए। ले करो। चलो जल्दी करो। सुनो वो वीडियो असली। शट अप। मुझे दे दो। कहाँ है? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? इसमें आवाज नहीं है, पर जिस नर्स ने इसे रिकॉर्ड किया था उसने पूरी बात सुनी। वीडियो में एरहान सर्जरी के बाद तुम्हारे दुश्मन को फोन करके इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कह रहा था तुम जैसा चाहते थे मैंने कर दिया। तुम मजाक कर रही हो क्या? इसे तुम सबूत कहती हो? मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। तुम मेरे साथ खेल रही हो? तुमने इस बेकार वीडियो के लिए मुझे 2 घंटे वेट करवाया? कॉल लग रहा है नारिन, चलो जल्दी जवाब दो। तुमने खुद ही अपनी कब्र खोद ली है। तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? बेवकूफ बनाना चाहती हो? बेवकूफ बना रही हो मुझे? नारिन, नारिन, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुमने मेरा समय बर्बाद किया है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले, आज तुम दोनों को मरना ही होगा, समझ रही हो तुम? नहीं 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 नारिन, नारिन, हम बस पहुंच ही गए सर। क्या लगा तुम्हें मेरे भाई का खून करने के बाद मेरे हाथों से बच जाओगे? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगा तुम्हें इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? हाँ? अब समझ में आया तड़प किसे कहते हैं? समझा?
कुछ ही समय में तुम दोनों इस लोक से परलोक चले जाओगे। ऊपर वाले को याद कर लो। ऐसा मत करो प्लीज। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैं निर्दोष हूँ। सर हम नजदीक ही हैं। दुखी मत हो, तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं तुम्हें इसके पास भेज रहा हूं। वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे की ज्यादा परवाह नहीं करते, हो सकता है जहन्नुम में ऐसा कुछ हो जाए। क्यों सर? यहाँ यहाँ इस तरफ। चलो जल्दी करो, आखिरी दुआ मांग लो। रोने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दर्द नहीं होगा। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे हाथ बहुत कांप रहे हैं, पर ये बात मैं उन्हें आखिर कैसे बताऊंगी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे कि जब वो आएंगे तो मुझे बैठना चाहिए, नहीं मुझे खड़े रहना चाहिए। मैं खड़ी हो जाती हूँ, यही ठीक रहेगा। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रियान दीदी, एमर भाई घर आ गए। क्या वो आ गए? हाँ ठीक है। ठीक है वो आ गए। कैसे? मैंने उन्हें कहाँ रख दिया? ऊपर वाले कहाँ है वो? अरे आप आ गए। फोन पर तुम्हारी आवाज अजीब सी लग रही थी, मुझे चिंता हो गई थी। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्या बात है, तुम क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, रुकिए मैं अभी वापस आती हूँ। क्या मुसीबत है अब? ये वो दवा है जिसकी तुम्हें जरूरत है, समझी? ये बिल्कुल काम करेगी। इसकी बस तीन बूंद तुम्हें उसके खाने में या पानी में मिलानी है। वैसे ये सिर्फ पहले दिन के लिए है, कल एक और बेहतर दवा दूंगी तुम्हें।
ये काम करेगी ना? कोई शक है तुम्हें? ये मेरी बनाई हुई दवाई है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही। इस दवाई से इस दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन भी बंजर हो सकती है। ऐसा कोई नहीं जो माँ बन जाए इसे पीने के बाद। वो मेरे हाथ में ही थी और मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिल रहा। हे ऊपर वाले, क्या तुमने उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया था? ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे कमरे में इंतजार कर रहे महली की दीदी। मैं खुद को और नहीं रोक पाऊंगी, मैं जा रही हूँ उन्हें ये बताने। एंजेल, क्या तुम्हें भूख लगी है? ये क्या है? ये तो नहीं है। ये क्या मैं पापा बनने वाले हैं? ये मुझे लगा कि आपको बताने का ये अच्छा तरीका होगा, इसलिए मैं इसे ले आई। इसका मतलब हम, मेरा मतलब मैं। पापा बनने वाले हैं? मैं पापा बनने वाला हूँ। हमारा अपना बच्चा होगा। मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं पापा बनूंगा। मैं पापा बनूंगा। मैं पापा बनने वाला हूँ रेहान। मैं पापा बनने वाला हूँ। आराम से। मैं पापा बनने वाला हूँ रेहान। मेरा अपना बच्चा होगा। सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा होने वाला है। शांत हो जाइए वरना बच्चा आपको पागल समझेगा। ऐसा नहीं है, वो समझ जाएगा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पापा बनने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए
चलिए आइए ना, हम बैठते हैं, आइए। नहीं, मैं खुद को नहीं रोक सकता, मैं सबको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत खुशी की बात है। रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी मत कीजिए, पहले आप शांत हो जाइए, उन्हें बाद में बताएंगे। बिल्कुल नहीं, हम अभी के अभी बताएंगे, तुम चलो मेरे साथ। तो डॉक्टर, अब तुम्हारी बारी है। तो तुम जिंदा हो? यहां क्या कर रहे हो तुम? अच्छा है, तुम जिंदा हो? है जिंदा, लेकिन अभी के लिए बहुत जल्द तुम भी उसके साथ मौत की गोद में सो रहे होंगे। नहीं, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। बधाई हो बेटा, ऊपर वाला तुम्हें तंदुरुस्त बच्चा दे। थैंक यू। मैं ही हूँ जिसे ये सबसे आखिर में पता चला। हाँ, मेरे अलावा सबको पता था। जब तक बात पक्की नहीं हो जाती मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। मैं आपको बताने ही वाली थी कि बाकी सबको पता है, पर आपने बात ही नहीं सुनी। मेरे डैड, हमें उन्हें बताना चाहिए। अब मत कहना उन्हें भी पता है। नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है। अंकल को तक नहीं पता है और आपकी माँ को भी नहीं पता है। वैसे बच्चा कब पैदा होगा? अरे बच्चा तो 9 महीने बाद ही पैदा होता है ना। सच कह रही हूँ दीदी, मुझसे इतना इंतजार नहीं होने वाला। बस उसकी सेहत ठीक हो। हाँ जरूर। मॉम, हमारे पास एक बहुत अच्छी खबर है। मैं आपको और डैड को एक साथ बताना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? चलिए आप। तुम यहाँ क्यों आए? क्यों? कौन हो तुम? मैं इसका पति हूँ। बहुत खूब, अपनी पत्नी से बहुत प्यार है, इतनी मोहब्बत करता है उससे कि यहाँ मरने चला आया। इसे मत मारना, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम पहले इसको मारेंगे उसके बाद तुम्हें। रुक जाओ, वहीं रुको। वो बेकसूर है। बेकसूर? कितनी अजीब दुनिया है। ये भी वही कह रहा था। तो फिर मेरे भाई को किसने मारा? हाँ, किसने मारा उसे? वो सब कुछ ऐरान ने किया था और आरोप नारिन पर लगा दिया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने फैसला कर लिया है। तुम लोग जब मर जाओगे तभी मुझे शांति मिलेगी। अगर यकीन नहीं तो बेदलव को कॉल करो। क्या? उसे सब पता है, उसी से पूछ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। बेदलव कौन? आराम से, डरो मत। घर से मेरा फोन लेकर आओ, जल्दी। आओ अपनी बीवी के पास। इन पर नजर रखना, मैं फोन पर बात करके आता हूं। ठीक है बस। कम ऑन बेटा, अब
अब बता भी दो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। डैड, आप दादा बनने वाले हैं। एक मिनट, क्या सुना आपने? कितनी अच्छी खबर है ना, हम दादा दादी बनने वाले हैं। मतलब ये सच है कि कुंवार लड़की प्रेग्नेंट है? मैं आपसे वादा करता हूं डैड कि हमारे अच्छे दिन अब शुरू हो गए हैं। आप भी ठीक होकर चलने लगेंगे, फिर आप भी अपने पोते के साथ खेल सकते हैं। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे सपने में, और हिकमत तो ठीक होने से रहा। दिन में सपने देख रहे हो तुम। ऐसा क्यों किया? खुद को खतरे में क्यों डाला तुमने? मसर वो तुम्हारे बिना, हे ऊपर वाले इसकी रक्षा कर। ए, बहुत हुआ, अपना मुंह बंद रखो। देखो शांत हो जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसे जाने दो, ये कुछ नहीं जानता, बस इतना कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। अपने बंदूक के नीचे करो, जाने दो इन्हें। मैं कह रहा हूं इसे खोल दो जल्दी। मुझे पता चल गया है, सब कुछ इसी ने किया था। कमीना आदमी, इसने मेरे दुश्मनों से पैसे लिए और अपने पेशे का गलत इस्तेमाल किया। इसने सर्जरी के दौरान मेरे भाई को मार दिया। हमारे हाथ पहले कुछ सबूत लगे थे, पर पेडेलव की कही बात मेरे लिए आदेश से भी बढ़कर है। तो क्या हम जा सकते हैं? पेडेलव ने वादा किया है कि यहाँ जो भी कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओगे। जाने दो इन्हें। एमिर, मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छे पिता बनोगे, अपने बच्चे को प्यार करोगे, और रेहान एक अच्छी माँ बनेगी। कंग्रेचुलेशंस। मॉम, आप दादी बनने वाली हैं।
आपके पोता पोती आने वाले हैं। तुम ठीक तो हो? डरने की जरूरत नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर कुछ हो जाता तो तुम मसल को अकेला छोड़ना चाहते थे? एक बार तो तुम उसके बारे में सोच लेते। अगर मैं यहां नहीं आता तो वो तुम्हें मार देते, फिर मैं मसल को क्या जवाब देता? पर तुम्हें ये पता कैसे चला? क्या तुम्हें एरहान ने इन सब में फंसाने की कोशिश की? आइनूर, वो मुझे आगाह करने घर पर आई थी, और फिर मैंने तुम्हारा वो मैसेज सुना था। बेदलव, वो एक अजरबैजानी बिजनेसमैन है और हम अच्छे दोस्त हैं। उसने मुझे सब बता दिया और पूरा मामला सुलझा दिया। चलो हम जा रहे हैं। अपने घर। सीधी हो जाना एक बार। ओके, कंफर्टेबल हो आप तुम? क्या एक और रंग दूं तुम्हारे पीछे? नहीं, ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। एक मिनट, तुम्हें बैक पेन नहीं होना चाहिए। तुम एक काम करो, इसे पीछे रख लो, ठीक है? अब कंफर्टेबल हो ना तुम? नहीं यार, ये कंफर्टेबल नहीं है ना। मैं चेंज करूं कुछ? हाँ, पर आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। आपको 9 महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या बोल रही हो, सिर्फ 9 महीने? मैं तो सिर्फ हमारा बच्चा पैदा होने तक करूंगा, उसके बाद तो चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। और वो क्यों? क्योंकि जन्म देने के बाद तो मुझे तुम दोनों का ख्याल रखना होगा ना। मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी निगरानी में रखूंगा। ये अभी आपको सुन नहीं पाएगा। चुप रहो, मुझे अपने बच्चे से एक बार बात करने दो। ठीक है, कर लो। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? हाँ ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसी तरह करूंगा। क्या कहा उसने? यही कि मुझे तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखना है और तुम अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखोगी। हाँ, ये कह रहा है
कि इसे दूध पीने का मन हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास दूध लेकर आता हूँ। बेल तो इसे भूख लगने लगी। अब कहाँ जा रहे हैं आप? बच्चा ठीक कह रहा है, सोने से पहले दूध पीना बहुत अच्छी बात है। मैं अभी लेकर आता हूँ। हेलो। हेलो अरहान। मैडम मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ, मुझे आपको ये बताते हुए दुख रहा है कि मिस्टर एरान अब नहीं रहे। एमिर बहुत खुश है। अगर उन्हें इस दवाई के बारे में पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। मॉम। बेटा तुम यहां कब आए? इस वक्त आप यहां क्या कर रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही थी, सुना भी ऐसे अचानक चली गई और तुमने भी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए रखी। मॉम हमने इस बारे में बात की है ना, प्लीज आप ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है? मैं किचन जा रहा हूँ, मुझे रिहान के लिए दूध गर्म करना है। सरा देखो तो, उस कंवार लड़की के इशारों पर नाच रहा है ये। अगर मैंने कोई सलूशन नहीं निकाला तो रिहान से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे ये करना ही होगा। मुझे माफ करना बेटा, मेरे पोते पोती की माँ एक ऐसी औरत नहीं बन सकती। बेटा तुमने इस काम के लिए मलिके को क्यों नहीं कहा? यार निगार से कह देते, वो ले आती। उन्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं मॉम, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एमिर तुमने कुछ सुना क्या? क्या वो रिहान की आवाज थी? बेटा तुम्हें जाकर देखना चाहिए, दूध मैं ग्लास में डाल देती हूँ, जाओ। मैं डैड बनने वाला हूँ और आप दादी बनेंगी, आपके पोता पोती होने वाले हैं। कि मैं क्या कर रही हूं, आखिर वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। लिविंग रूम में तो कोई नहीं है, वो सो जाएं, इससे पहले मैं जाकर पिला देता हूं। हाँ ठीक है बेटा, सोने से पहले उसे दूध पीना चाहिए। ठीक है मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड नाइट बेटा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरा बेटा इतना बदल गया है, अपना गुलाम बना दिया है उसने। जब भी मैं उस लड़की को देखती हूं तो मैंने ये मिक्स ना करके बहुत बड़ी गलती की। डैम इट, क्या कर दिया मैंने। सीरियो से दूध पिलाना मत भूलना और ज्यादा जागने मत देना। गुड नाइट। मेरी वजह से क्या क्या हो गया? सबसे बड़ी बात कि तुम जिंदा हो, मेरे लिए बस वही जरूरी है, और बाकी सब कुछ हम मिलकर सुलझा देंगे। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं सबको मुसीबत से दूर रखना चाहती थी, पर देखो, तुम्हें इस तरह की बातें मुझे बता देनी चाहिए थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सीखना होगा। मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त चाहिए। हम एक ही पल में ऐसे हो गए तो जल्द ही इस सब से बाहर भी आ जाएंगे। हम सब जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब तुम अपने आंसू पोंछ लो, अब ज्यादा मत सोचो, थोड़ा आराम कर लो।